हेलो बच्चों, आज मैं आपको दादी माँ पाठ का सारांश बता रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप ध्यान से सुनना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। यहाँ पर जो लेखक है उसे अपने गांव की याद आती रहती है। क्यों क्यों याद उसे आती रहती है? क्योंकि दादी माँ से उसका गहरा लगाव है और आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर उसे सुनाई दी है और उसे सुनकर वह स्तब्ध रह गया है, चौंक गया है, और यही कारण है कि उसे आज अपनी दादी की सारी कहानी याद आ जाती है। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर उसकी दादी के साथ जो जो समय उसने बिताया था, हर क्षण उसने जो बिताया था, सब उसे याद आ जाता है। लेखक को क्वार के महीने के वे दिन याद आते हैं। क्वार का महीना जो है वो अश्विन मंथ होता है, वह उसे याद आ जाता है। और उस समय पर बारिश के कारण पानी भरा रहता था और दूर दूर से जो घास आ जाती थी उस पानी के साथ, वह सड़ जाती थी, और यही कारण है कि उसकी वजह से हवा में एक अजीब सी बदबू की तरह की जो है वो फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कूद कर नहाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। लेखक भी यही काम करता था कि बच्चों के साथ वह बारिश के पानी में नहाता था, और यही कारण है कि वह एक बार बीमार पड़ गया। और उसकी बीमारी को देख करके दादी पूरे टाइम उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और उसके हाथ पैर को छू करके उसके बुखार का अनुमान करती, यानी कि ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए कई प्रकार के खाना बनवाती। उन्हें गांव की कई तरह की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ को काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें उत्साह हुआ। यूँ वह कोई काम भी नहीं करती थी, लेकिन किसी काम में उनके बिना काम भी नहीं चलता था। और लेखक की दादी के पास कोई महिला पैसे मांगने के लिए आती है ब्याज पर, रामी की चाची पर वह फिर कठोरतापूर्वक जो है बिगड़ते उन्होंने देखा था। जो पैसे मांगने महिला आई थी, लेखक ने उस पर दादी माँ को बिगड़ते हुए देखा था, और वह महिला आंखों में आंसू लेकर के दादी माँ के सामने मिन्नतें कर रही थी, कह रही थी कि उसकी बेटी की शादी है, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं होती थी। लेखक यह देखता है तो वह वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया है। यानी कि यहाँ पर दादी की एक खासियत है कि वह मन की बहुत अच्छी है और उन्होंने केवल 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं यह बताती हैं कि दादी कठोर होने के साथ साथ कोमल स्वभाव भी रखती है। लेखक जो था उनका विशेष लाडला था और उसे लगता था कि अगर उससे कोई गलती भी हो जाए तो दादी की छाया में खड़े होकर के वह उस गलती से बच जाएगा, यानी उसे अभयदान मिल जाएगा। अभयदान मिलना यानी अब उसे कोई भय नहीं रहेगा। दादी की मृत्यु के बाद दादाजी की जब मृत्यु हुई तो दादी उदास रहने लगी और धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से परेशानी काफ़ी बढ़ गई। धोखेबाज शुभचिंतक कौन है यहाँ पर? जो लोग धोखा देते हैं और सामने भले बनते हैं। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी खर्च कर दिया था और एक शाम को जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, नहाकर गीली धोती पहन करके दादी संदूक पर दिया जला के हाथ जोड़ करके बैठी थी और उनकी आंखों में पानी आ रहा था, तो लेखक से रहा नहीं गया, उन्होंने दादी के रोने का कारण पूछ लिया। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ दादाजी की दी हुई निशानी जो सोने से उन्होंने कंगन संदूक से निकाले और पिताजी को दे दिए ताकि वह अपना कर्जा चुका सकें। लेखक को दादी माँ किसी शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगी। यहाँ साप भ्रष्ट देवी उन्हें क्यों कहा है? क्योंकि दादाजी से उन्हें एक तरह से धोखा मिला था, क्योंकि वो उन्हें पहले ही छोड़कर चले गए थे, और देवी इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने अपना कंगन पिताजी को कर चुकाने के लिए दे दिया था।
लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया, यानी पुराने समय से अभी के समय में लौट आता है, और उसके पास उसके भाई का लिखा पत्र अभी भी उसके हाथों में कांप रहा था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दादी माँ सचमुच दुनिया में नहीं रही। यह कहानी का सारांश है। अगर आपको इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़नी है तो मैं एक अन्य वीडियो में आपको वही बताऊँगी। अभी मैं इसके कुछ मुश्किल शब्द बताई देती हूँ, जिसमें अनमना यानी दुखी होता है, शुभचिंतक हितैषी को कहते हैं, प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थिति, सरद यानी जाड़े की, स्वच्छ यानी साफ, क्वार यानी हिंदी कैलेंडर में एक महीना होता है जिसे आश्विन।